हाय गाइस दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो को बनाने में मेरे को बेहद ही खुशी हो रही है। अब दोस्तों बहुत सारे बंदे सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बता दूं, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं ना, तो दोस्तों आप भी आज प्रो प्लेयर बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुने, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप भी प्रो प्लेयर बन सकते हैं। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा ट्रिक ढूंढ के लाया हूँ ना, जो ट्रिक को यूज करके दोस्तों आप भी फ्री फायर में ऑटो हेडशॉट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऑटो हेडशॉट कर सकते हैं। तो क्या है ट्रिक, चले मैं आप सभी को बताता हूँ और पूरा यहाँ पे लाइव प्रूफ आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको करना क्या है, इस वीडियो को एंड तक वॉच करते रहना है और बीच में कहीं भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा, अगर आप बीच में कहीं भी स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेटिंग है। तो यहां पे आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, आसान तरीका में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे बताना चाहूंगा कि भाई यार चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, बिना चैनल को सब्सक्राइब किए जाते हो यार। आपका चैनल सब्सक्राइब करने में कोई भी यहां पे पैसा नहीं लगता, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो हमारी मोटिवेशन को बढ़ाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर किया करो। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, आपका जो यहाँ पे फ्री फायर गेम है इसको ओपन कर लेना है। अब दोस्तों आपको ओपन करने के बाद करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दोस्तों कुछ सिंपल सेटिंग है जिसको आपको अप्लाई करना है। तो सिंपली आपको करना क्या है, ऊपर दोस्तों आपको राइट साइड में बैटरी के बगल में आप एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेटिंग का, यहाँ पे छोटा पर से आप देख पा रहे होंगे आइकन है सेटिंग का। तो आपको करना क्या है, सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। अब दोस्तों बता दूं, मेरा जो फ्री फायर है ना अपडेट हो चुका है, ये जो फोर्थ एनिवर्सरी जो अपडेट आया था सिंपली मैंने उसको अपडेट कर रखा। तो सबसे पहले आप भी अपने फ्री फायर को आशा करता हूँ अपडेट तो कर ही रखे होंगे, तभी यहाँ पे प्ले कर पा रहे हैं अब। ठीक है, अब चलिए बताता हूँ दोस्तों। लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है, जैसे बेसिक, सेंसिटिव, कंट्रोल, ऑटो पिकअप, डिस्प्ले, साउंड, नोटिफिकेशन। ठीक है, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है ऑटो पिकअप में। ऑटो पिकअप पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। अब दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे दोस्तों सभी जो ऑटो पिकअप है उसको ऑन कर देना है, वेपन ऑन कर देना है, आर्मर एंड बैकपैक ऑन कर देना, सभी को यहाँ पे ऑन कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑटो पिकअप सभी को ऑन कर देना है, तभी आगे आप हेडशॉट कर पाएंगे ऑटोमेटिक। तो यहाँ पे सभी को मैंने ऑन कर दिया, सिंपली आप इसे ऑन कर दीजिएगा। यहाँ पे डिफॉल्ट है, यहाँ पे एक सेटिंग ऑटो पिकअप स्पीड, तो यहाँ पे डिफॉल्ट और फास्ट का ऑप्शन मिल जाता है, तो इसको आप फास्ट कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कट कर देना है। अगेन आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिल जाता है सेंसिटिव का, तो यहाँ पे दोस्तों आना है। लेकिन उससे पहले आपको एक और सेटिंग करना है, चलिए मैं बता देता हूँ वो सेटिंग क्या कैसे करना है। सिंपली आपको यहाँ पे आ जाना है, जो ऑप्शन मिल जाता है डिस्प्ले का। अब डिस्प्ले में आने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे ऊपर एक ऑप्शन मिल जाता है ग्राफिक्स का, तो यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलता है, स्मूथ, स्टैंडर्ड, अल्ट्रा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब अल्ट्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों जो आपका हाई रिजोल्यूशन है ना उसको नॉर्मल रखना है, शैडो को आपको ऑफ कर देना है, और यहाँ पे कुछ फिल्टर होगा तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लासिक जो है ना इसको आपको चूज कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों पूरा सेटिंग देख लीजिए, सिंपली आपको यही करना है। अब दोस्तों सिंपली आपको सेंसिटिविटी वाले ऑप्शन पे आ जाना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो मेन वीडियो का पार्ट है शुरू होता है, तो यहाँ पे कृपया करके आप ध्यान से देखते रहिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे दोस्तों एक ऑप्शन आपको मिल जाता है जनरल का, तो जनरल वाले को आपको किन्ना कर देना है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप रिसेट किए होंगे ना तो 65 होगा, तो आपको इसको 50 कर देना है। दोस्तों बता दूं, अगर आप पहले से इसे एडजस्ट कर रखे हैं तब भी आपको 50 करना है, या फिर अगर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सेलेक्ट है तब भी आपको 50 करना है, यानी 50 कर देना है। ठीक है, 50 चलिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे जो सेकेंड है ना, यहाँ पे क्या है आपको पता ही होगा, रेड डॉट यहाँ पे शो हो रहा है, तो सिंपली पहले तो मैं इसको सेट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा 50 सेट हो गया। अब सिंपली आपको रेड डॉट में आ जाना। अब यहाँ पे दोस्तों ट्रिक है, रेड डॉट को आपको 100 करना है। जी हाँ दोस्तों, रेड डॉट को 100 करना है, तभी यहाँ पे हेडशॉट होता है। बहुत सारे बंदे इसमें कंफ्यूज होते हैं, 100 नहीं करते हैं, तो प्लीज आप 100 कीजिए, उसके बाद आगे जो मैं बता रहा हूँ उसे कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों जो 2x स्कोप है इसको भी आपको 50 कर देना है, यानी 50 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों जो 4x स्कोप है इसको आपको 20 करना है, यानी कि 10 से 20 के बीच में आप कर सकते हैं, तो मैं 20 कर देता हूँ। इस स्नीपर स्कोप को भी आपको 20 ही रखना है, तो इसको भी मैं सॉरी यहाँ पे इसको 20 कर देता हूँ। अब इसको 20 करने के बाद आपको क्या करना है, जो सबसे नीचे है फ्री लुक का, तो इसको आपको 10 कर देना है, तो मैं इसे 10 कर देता हूँ। अब 10 करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पे बेसिक वाले सेक्शन में देख लीजिए, यहाँ पे दोस्तों जो मेरा सेटिंग है सिंपली आपका कुछ इस प्रकार से होना चाहिए, जो मेन मेन्यू एंट्रेंस है इसको आपको शो कर देना होगा।
सेटिंग साइनिंग का यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा छेड़खानी करना नहीं, सिंपली आप कट कर देना है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों, सिंपली मैं अपने गेम को यहाँ पे प्ले कर देता हूँ, स्टार्ट करता हूँ और आपको पूरा यहाँ पे लाइव प्रूफ हेड शॉट करके दिखाता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को शुरू करता हूँ और इसे प्ले करने की कोशिश करता हूँ आपके सामने। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा वीडियो को पार्ट के कट करूंगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा गेम अभी स्टार्टिंग लेने में टाइम लेगा, तो कट करता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी गेम है स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहले आपको करना क्या है, वेपन्स को ले लेना है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों मेरा अभी कोई फ्रेंड नहीं है, नहीं तो मैं यहाँ पे आपको लाइव प्रूफ करके दिखाता। तो यहाँ पे चलिए मैं देखता हूँ कोई भी बंदा मिल जाता तो आपको पूरा हेडशॉट करके दिखाता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आपको करना क्या है, जैसे भी कोई बंदा यहाँ पे सामने आता है ना, तो सबसे पहले आपको अपने गन को क्या करना, उसके यहाँ पे बॉडी पे करना, ठीक है। अब यहाँ पे एक बार ऐसे बॉडी पे करने के बाद थोड़ा सा आपको ऊपर स्वाइप अप करना है और यहाँ पे अपने बुलेट को एक बार मारना है। जैसे यहाँ पे मारेंगे ना दोस्तों, उसका डायरेक्ट हेडशॉट ही होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं किसी बंदे को यहाँ पे सर्च करता हूँ और यहाँ पे हेडशॉट करने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे पूरा आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ कि यहाँ पे दोस्तों ऑटोमेटिक हेडशॉट कैसे होगा। दोस्तों जो मैं तरीका बताया, सिंपली आपको यही करना है। क्या करना है, सबसे पहले जो भी यहाँ पे आपका प्लेयर है ना, उसके आपको बॉडी पे के किसी भी पार्ट पे आपको सबसे पहले जो रेड डॉट होता है, सिंपली आपको उसको ले जाना है। और उसको ले जाने के बाद सिंपली आपको थोड़ा सा ऊपर स्वाइप अप करना है। अब ऊपर जैसे स्वाइप अप करके अपने बुलेट को यहाँ पे प्रेस करेंगे ना दोस्तों, हेडशॉट डायरेक्टली होगा। तो चलिए यहाँ पे मैं चलता हूँ, कोई कार लेता हूँ और किसी बंदे को यहाँ पे खोजता हूँ। तो उसके बाद खोजने के बाद आपको आगे दिखाता हूँ। तो अभी तो यहाँ पे कोई भी बंदा दिखाई दे नहीं रहा है फिलहाल में, लेकिन मेरा हेडशॉट कैसे होगा तो मैं उसी का कोशिश करूंगा। तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा बाइक पे मैं चढ़ता हूँ और ड्राइव करके आपको यहाँ पे पूरा दिखाता हूँ। यस, यहाँ पे फ्रेंड आ रहा है, देखिए। चलिए मैं यहाँ पे गेट अप होता हूँ और यहाँ पे दोस्तों सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ पे वो मेरे को ना मार दे रहे, तो भाई साहब ऊपर करिए, तब तक मेरे को यहाँ पे हेडशॉट डायरेक्टली हो जाएगा। तो दोस्तों सिंपली मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया, आप इस प्रकार से हेडशॉट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा अच्छे तरीके से हेडशॉट हुआ नहीं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे तरीका यही है जो मैंने बताया है, इस प्रकार से आप कर पाएंगे। मेरा अगर कोई फ्रेंड होता ना तो यहाँ पे करके दिखा देता। यहाँ पे मेरा कोई अभी फ्रेंड इस समय ऑनलाइन नहीं है और यहाँ पे प्ले नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे दिखा नहीं पा रहा हूँ। अगर मैं किसी भी अगर बंदे को यहाँ पे हेडशॉट करना चाहूंगा ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगेगा, तब तक वो मेरे को मार के चला जा सकता है। और यहाँ पे मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे बात भी आपसे कर रहा हूँ और यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आ रहा है। तो आप जो मैंने तरीका बताया उसे यूज कीजिएगा, 100% आपका हेडशॉट होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय फ्रेंड। और मैं थोड़ा सा गेम खेल लेता हूं, उसके बाद वीडियो एडिट करके अपलोड करूंगा।